इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे तो यह बात पहले से तय शुदा थी कि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो कोरोना के बहाने लॉकडाउन लगाने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले भी यहाँ कहा गया था कि लॉकडाउन महज एक ऐसी कार्रवाई है जिसे लोगों में हलचल रहे, कोरोना कितना खतरनाक है, पर जो खेल लॉकडाउन के नाम पर खेला जा रहा है कितनी जिंदगियों को तबाह कर देगा इसका अंदाजा नहीं कर सकते। ये भी बात उतनी सच है कि लॉकडाउन का मशवरा देने वालों को इस बात का इल्म होता है कि गरीब किस तरह इन चक्की के दो पार्टों में पीसता रहता है, एक तरफ गरीबी दूसरी तरफ भुखमरी। जाहिर है लॉकडाउन रहेगा तो कमाई का जरिया क्या होगा। वैसे तो आम दिनों में ही इंसान का गुजारा मुश्किल से होता है। बहरहाल मंत्री संतरियों को तो गरीबों को मरते हुए देखने में शायद मजा आता हो। कैसा मनमानी फैसले का दरबार लगा हुआ है, करोड़ों रुपयों की चुनावी रैलियां जिसमें ना मास्क ना किसी तरह की गाइडलाइन पर अमल, पैसे भी बट रहे हैं, पार्टियां भी हो रही हैं। बेचारी गरीब आवाम को तो वह दो वक्त की रोटी का लालच देकर उसी रैली में बुलाया जाता है। देश की भोली भाली जनता झूठे वादों के जाल में फंस जाती है। एक बार फिर लॉकडाउन का फैसला मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से लिया जा रहा है, पर सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन से पहले उन गरीब आवाम का क्या, आखिर हुकूमत उनके बारे में क्यों नहीं सोचती। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान के बाद बेंगलोर में भी रात के कर्फ्यू का ऐलान किया गया। हो सकता है कि एक हफ्ते का कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। यकीनन कोरोना मरीजों की तादाद में तूफानी इजाफा हो रहा है, दवाइयां की कालाबाजारी जारी है। आखिर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय अवाम पर ही जिम्मेदारी क्यों थोप रही है? आने वाले दिनों में क्या होगा? अवाम पर एक तरह से ज्यादती तो नहीं की जा रही? कहीं अवाम के सब्र का इम्तिहान तो नहीं लिया जा रहा? वैसे भी कई शहरों में अवाम लॉकडाउन की मुखालफत भी कर रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार कहती है कि हमने सोच समझ कर ही कदम उठाया। सड़कों पर ठेले लगाने वाले मजदूर कुली, क्या इनके बारे में सोचा है? क्या इनके अकाउंट में आपने पैसे डाल दिया है? कहीं आप लॉकडाउन के बहाने गरीबों को मारना तो नहीं चाहते? क्योंकि वैसे भी गरीब मजदूर इन हुकूमतों के वोटर्स तो रहते नहीं है, लिहाजा इनका रहना और ना रहना बराबर ही होता है। ऐसा तो शायद हुकूमत नहीं सोच रही। भारत में गरीबी से जूझने वाला बड़ा तबका है। भारत को वैसे भी मोदी हुकूमत ने गरीब मुल्कों की फहरिस्त में डाल ही दिया है। मतलब कोरोना मरीजों की ब्रेक द चेन के लिए कितने लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और वैसे भी अगर इतना कोरोना को लेकर संजीदा होते फिर चुनाव की रैलियां तो चल ही रही हैं। जैसे रवीश कुमार ने कहा कि बिना मास्क के लिए क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी का चालान काट सकते हैं? क्या किसी में हिम्मत है? तो फिर गरीब आवाम पर जो दिन भर मेहनत मशक्कत के बाद अपने घर वालों के लिए हजार रुपया मुश्किल से जुटाता है, इनको तो 2000 का चालान काट दिया जाता है, वो भी लाठियां बरसा कर। अगर नहीं माने तो मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। मतलब कोरोना कुंभ हो या चुनावी रैलियां में कोरोना तो नहीं जाता है, यहां आस्था भारी है। तभी तो वजीर आला कहते हैं कि कोरोना कुंभ में आ ही नहीं सकता, भाग जाता है। महाराष्ट्र में तो रात के कर्फ्यू का ऐलान पहले ही किया हुआ था। कर्नाटक में भी कई शहरों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया, पर जहां पर चुनाव थे वहां पर छूट थी। बेलगाम लोकसभा के लिए भी यह छूट चुनाव के बुनियाद पर ही हासिल हुई थी। चुनाव और कोरोना की दुश्मनी आवाम को समझ में नहीं आ रही। रमजान महीने के मद्देनजर दरबार गली जामिया मस्जिद इलाके में जिस कदर भीड़ होनी थी, महज इस डर से दुकानों को नहीं लगाया गया कि कब हुकूमत क्या फैसला ले, बोल नहीं सकते। लिहाजा यह लॉकडाउन भी आवाम के गले नहीं उतर रहा। अगर इसी तरह कोरोना के मद्देनजर आवाम को रोका जाने लगा तो आने वाले दिन बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। खाना जंगी यानी गृह युद्ध जैसे हालात भारत में रोनुमा हो सकते हैं, जिसके लिए भारत की नाकारा मोदी सरकार ही जिम्मेदार होगी। सवाल तो यह पूछना लाजिम भी हो जाता है कि भारत में ही क्यों कोरोना बम फट रहा है? पड़ोसी मुल्क में तो सभी इत्मीनान से जी रहे हैं। ऐसा कोरोना का क्या मामला पेश आया जिससे भारत दुनिया में पहले नंबर पर कोरोना मरीजों में पहुंच गया है? उत्तर भारत की तस्वीर एकदम खतरनाक है। मुर्दे जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं मिल रही, मुर्दे जला जला कर क्रेमेटोरियल के कॉइल पिघल रहे हैं। दवाइयां नहीं, वैक्सीन नहीं, रेमडेसिविर नहीं। हुकूमतों की बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, सच्चाई यह है कि जमीनी सतह पर कोई काम नहीं। वजीर आजम का एक और मामला अजीब लगता है कि देश में वैक्सीन नहीं है और दूसरे देशों को वैक्सीन या तो दी जा रही है या तो फिर बतौर तोहफा दिया जा रहा है। मतलब इसे क्या कहते हैं कि इसे बेलगाम के मुहावरे में घर में नहीं जा रही और बाहर जमादारी की तरह मोदी हुकूमत ने बजाय भारत के अंदर वैक्सीन देने के दूसरे देशों को वैक्सीन भेज दिया। वजीर आजम का क्या कहना, चुनावी इजलास तो इनका शौक बन चुका है। वो अब आवाम को अभी फिर जो है कोरोना के इसी दौर में
बंगाल में और 6 इजलास में वो अवामी खिताब फरमा रहे हैं, जहां चुनाव होते हैं वहां जानबूझकर टेस्टिंग कम की जाती है, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं फिर कोरोना हॉस्पिटल बेड पॉजिटिव मरीज का खेल शुरू होता है। मौजूदा हालात के लिए मोदी हुकूमत इसलिए भी जिम्मेदार है क्योंकि अपनी सहूलत के हिसाब से माहौल को बनाया जाता है। जाहिर है अब किसान का एहतजाज भी इसमें दम तोड़ जाएगा। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आने वाले कई सालों तक भी आंदोलन जारी रखने की बात कही थी, लेकिन भारत में एहतजाज इसी तरह तोड़ दिए जाते हैं। पिछले मरतबा भी NRC CAA को लेकर शाहीन बाग को जो दुनिया में मशहूर हो चुका था इसे इसी कोरोना की नजर किया गया। लिहाजा एक बार फिर लॉकडाउन का फैसला शायद कोरोना को खत्म करे या ना करे पर गरीबों को जरूर खत्म कर देगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।